हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने लेके आया हूँ ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें आज मैं बताऊंगा मिट्टियों से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछे आते हैं और रेलवे के एग्जाम में पूछे आते हैं। फ्रेंड्स, तो आज क्या बताएंगे, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां सॉइल फाउंड इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मीन्स क्या हुआ, मिट्टी होती है कौन सी है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, जिसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी या मृदा कहिए, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों में जो समुद्र किनारे जो मैदान होता है, या उत्तर भारत मैदान में जो सबसे उत्कृष्ट मृदा है वो कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा सबसे उत्कृष्ट मृदा है, मृदा ठीक है। फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यता कैसे बनी है, तो ये बनी है तलोचन मृदा से, मृदा से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी जो है वो कहलाती है बांगर मृदा कहलाती है, बांगर मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पे, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर नीचे है, कितना 600 मीटर नीचे है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, छठा नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वहां पे जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है, लोड़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन, लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है कहां पे, तो ये पाया जाता है मालाबार तटीय क्षेत्र में, मालाबार तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। फ्रेंड्स, अगर रेगुर मिट्टी का बात करें तो रेगुर मिट्टी को हम लोग दूसरा नाम कहते हैं काली मिट्टी कहा जाता है, क्या है, काली मिट्टी या काली मृदा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं नौवें नंबर क्वेश्चन पे, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा जो है जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो रेगुर जो होता है, रेगुर को अभी मैंने बताया, रेगुर को काली मिट्टी भी कहा जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा खेती जो होती है सर्वाधिक उपयुक्त होती है किस चीज के लिए, तो ये कपास की खेती जिसे हम कॉटन कहते हैं, कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, किसका, रेगुर मृदा का। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, अगर बात करें लैटराइट मिट्टी का, तो लैटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है, केरल। नेक्स्ट आपका मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, मृदा अपरदन मीन क्या हुआ फ्रेंड्स, सॉइल इरोजन बोला जाता है, मिट्टी कटाव किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो मिट्टी कटाव रोका जा सकता है अगर हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, मीन्स वन रोपण द्वारा, क्या करेंगे, अगर पेड़ लगाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहां है, तो रेगुर मिट्टी आपका सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र में। चौथा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, अगर बात करें तो काली मिट्टी जो होती है जिसे हम रेगुर बोलते हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा होती है, सर्वाधिक मात्रा होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी आपकी महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र। ओके, तो फ्रेंड्स ये था टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपके भारत में पाई जाने वाली मृदा या मिट्टियों से रिलेटेड था। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।